गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.6 नाइन्थ क्लास के अंदर हमारी जो चल रही थी उसका थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन को करने से पहले इसमें जो फॉर्मूला जो लॉ यूज होंगे जो फॉर्मूलाज यूज होंगे उसको हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। मैं आपको उसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए तीन चार लॉ हैं सिर्फ। देखिए अगर हमारे पास एक्स की पावर एम है और उसकी पावर एन है, ये मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया भी था लेकिन इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। x की पावर m है उस पावर की अगेन पावर है n, तो हम इसको क्या लिखेंगे x की पावर m इंटू एन, यानी कि जो पावर होती हैं वो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, फिर हम ये लिखें अगर x की पावर a है और x की पावर b है। ध्यान दीजिए यहाँ बेस सेम है और पावर क्या है डिफरेंट है, ध्यान रखना है बेस सेम पावर डिफरेंट। तो क्या करेंगे हम बेस को सिंगल टाइम लिखेंगे, एक बार लिखेंगे और जो पावर है उनको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। दोबारा सुन लीजिए, अगर आपका बेस सेम है और पावर्स क्या है डिफरेंट है और ये दोनों जो फंक्शन है ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो हम इनको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अगर यही चीज आपकी डिवाइड के अंदर आती है यानी कि एक्स की पावर ए ऊपर और डिनोमिनेटर में आता है अगर ये फंक्शन एक्स की पावर बी, ठीक है, अब देखिए बेस तो सेम है पावर डिफरेंट है लेकिन दोनों डिवाइड की फॉर्म में आ गए, पहले दोनों क्या थे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तब आप इसको लिख सकते हो एक्स की पावर ए माइनस बी, यानी कि जो नीचे वाली पावर थी वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, नीचे वाली जो पावर बी थी वो न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगी नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, एक लास्ट लॉ इसका और देख लेते हैं हम, जिसके अंदर यहां तो देखिए हमने बेस सेम माना और पावर क्या मानी डिफरेंट डिफरेंट मानी, लेकिन अब क्या करेंगे हम बेस को अलग कर देते हैं। देखिए मैंने इस बार क्या लिखा, बेस अलग अलग माना और पावर सेम, बेस अलग अलग है अगर और पावर क्या है सेम है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर आपकी एक बार लिख देंगे, यानी कि x की पावर भी a है और y की पावर a है तो x इंटू वाई की पावर क्या बन जाएगी a बन जाएगी। ये हमारे लॉ थे। अब हम इसको क्या करते हैं क्वेश्चन के में रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए आप 2 की पावर 2 अपॉन 3 और 2 की पावर 1 बाय 5 दोनों क्या है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो जब बेस सेम है और पावर क्या है डिफरेंट, बेस सेम और पावर डिफरेंट तो क्या करेंगे पावर्स का एडिशन करेंगे, तो बेस एक बार लिख देंगे पावर्स का एडिशन 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5, समझ रहे हो बात, पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ये 2 आपका सेम रहेगा, पावर का क्या कर लोगे एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आएगा 15, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, क्या बन गया 2 की पावर 13 अपॉन 15, ये आपका फाइनल आंसर है। क्या करना है दोबारा सुन लीजिए, बेस अगर सेम हो पावर अलग अलग हो तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, पावर का एडिशन करना है बस इतना ही काम करना है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, ये जो 1 की पावर 7 है ये अलग हो जाएगी और डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3 और उसकी पावर 7 ऐसे कर लेंगे, यानी कि ऊपर वाले की पावर अलग कर दी नीचे वाले की पावर मैंने अलग कर दी। अब 1 की पावर 7 तो 1 ही होता है यानी कि 1 को मैं 7 बार मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 की पावर 3 और उसकी पावर 7 कौन सा लॉ लगेगा, ये देखिए ये लगेगा, एक पावर है फिर उसके बाद दूसरी पावर है तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यहां बन जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 7, समझ रहे हो बात, यहां बन गया 3 की पावर 21। चाहे तो हम इसको इतना छोड़ सकते हैं या फिर इसको अगर हम ऊपर ले जाना चाहें तो ये पावर जो 21 है ऊपर जाके क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 3 की पावर माइनस 21, समझ रहे हो बात, ये पावर बेस में पॉजिटिव थी डिनोमिनेटर में पॉजिटिव थी ऊपर जाके क्या बन जाएगी न्यूमरेटर में नेगेटिव बन जाएगी, ये आपका फाइनल आंसर है। दो पार्ट हो गए, थर्ड फोर्थ और देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स थर्ड और फोर्थ पार्ट आपके सामने लिख दिया है। थर्ड पार्ट क्या है, 11 की पावर हाफ डिनोमिनेटर में क्या है 11 की पावर 1/4, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूले आपके सामने लिख दिए मैंने, तो थर्ड फॉर्मूला यूज होगा। देखिए बेस सेम है पावर डिफरेंट है और डिवाइड की फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, देखिए 11 को सेम लिखेंगे और पावर में क्या लिखेंगे हाफ माइनस 1/4 यही लिखेंगे,
देखिए जो ऊपर वाली पावर है वो पॉजिटिव, जो नीचे वाली पावर है वो ऊपर जाके क्या बन जाएगी, माइनस की। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आया, 4। एलसीएम आया 4, 4 में 2 का डिवाइड किया 2, 2 वन जा 2, माइनस 4 में 4 का डिवाइड किया 1, 1 वन जा 1। समझ में आ गई बात, ठीक है। करना क्या है, 11 की पावर 1/4, ये आपका फाइनल आंसर है। इतना सा ये थर्ड पार्ट था। दोस्तों कोई भी दिक्कत आए आपको, कोई भी परेशानी आए समझने में, आप बेझिझक फ्रीक्वेंटली यू कैन डू कमेंट्स एंड आई विल सॉल्व योर डाउट्स। आपके सारे जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगा, कंप्लीट करूंगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं दोस्तों, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। तो क्या है, देखिए बेस दोनों का डिफरेंट है, तो ये नहीं लगेगा क्या, बेस डिफरेंट है और पावर क्या है, सेम है। तो बेस डिफरेंट है तो 7 × 8 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, हाफ। तो क्या बन जाएगा, 56 की पावर कितनी, हाफ बन जाएगी। अब ध्यान रखना है, जब किसी भी डिजिट की पावर हाफ होती है तो हम उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात, यानी कि अगर मैं 5 की पावर 1/2 लिखूं या स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखूं तो ये दोनों सेम ही बात है। जो हाफ पावर होती है उसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी 1.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, साथ ही साथ आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। एक एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन मैंने आपको सेपरेट सेपरेट वीडियोज बना के आपको रिप्रेजेंट किया है, आपको एक्सप्लेन किया है मैंने एक एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आपको पूरा का पूरा चैप्टर देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं, सेकंड यूनिट की 2.1 एक्सरसाइज विद बेसिक इंट्रोडक्शन।